एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया के सेकुलरिज्म के बारे में। सो ये एक जनरल ओवरव्यू होगा और इसमें हम थोड़ी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे दैट हाउ इंडिया सेकुलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और हम इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि इंडिया ने कैसे अपने सेकुलरिज्म को प्रिजर्व करके रखा है। हम इसमें इंडिया के सेकुलरिज्म को एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न और प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि कैसे इंडिया ने अपने जो सेकुलरिज्म को है वो प्रिजर्व करके भी रखा है और उसको एक वाइडर रेंज में उसको बढ़ाया भी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी विल सी द एंशियंट इंडियन फिलोसफी टूवर्ड्स सेकुलरिज्म। सो हम इसमें ये देखेंगे इंडिया की जो फिलोसफी है एंशियंट टेक्स्ट में वो क्या थी। सो अगर आप वैदिक पीरियड की बात करें तो वैदिक पीरियड में जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट था वो कुछ इस तरह का था दैट द टर्म सेकुलरिज्म इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वैदिक इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म निरपेक्षता दैट द स्टेट हैज नो रिलीजन और यू कैन से दैट द इंडिफरेंस ऑफ स्टेट टू रिलीजन। इसका मतलब ये है कि जो राज्य होगा जो देश होगा उसका कोई भी रिलीजन नहीं होता था और उसका कोई रिलीजन नहीं होगा। एंड इन इंडियन फिलोसफी ऑफ सेकुलरिज्म इज रिलेटेड टू सर्व धर्म संभव। इट लिटरली मीन्स दैट डेस्टिनेशन ऑफ द फेथ फॉलोड बाय ऑल religions is the same though the paths themselves may be the different which means equal respect to all religions. So India has that philosophy that India has the India state has no religion and it respect all religions and India's philosophy could say that all religions leads to the same path and maybe they have a different thoughts but they leads to the same path. As you can see that the great Indian scholars and one of the Swami Vivekanand and Mahatma Gandhi, they called India's secularism as a positive secularism. Okay, so let's see the secularism in history of India. So secular traditions are very deep rooted in the history of India. So आप सब जानते ही होंगे जो इंडिया का जो एंशियंट हिस्ट्री है और इंडिया के जो रूट्स हैं वो काफी सेकुलर रहे हैं। इंडियाज कल्चर इज बेस्ड ऑन द ब्लेंडिंग ऑफ वेरियस स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल एंड सोशल मूवमेंट्स। आप जानते ही होंगे कि जो इंडिया का जो रिलीजन है इंडिया का जो कल्चर है वो काफ़ी एक वाइडर रेंज एक्सपेक्ट में वो बुना हुआ है वो बना हुआ है उस चीज़ में तो जिसमें कि हर एक रिलीजन का कॉन्ट्रीब्यूशन है। एज वी कैन सी इन एंशियंट कॉन्टेक्स्ट देन एज वी हैव अर्लियर डिस्कस दैट हिंदूज फिलोसफी दैट संतम धर्मा that India is a land which welcome all religions and in the Vedas, in Upanishads and the Puranas have that philosophy that India respect all religions, India welcome all religions. And one of the examples we can say here that Emperor Ashoka was the first ruler who officially declared that his empire has no religion and he solely depend upon the humanity and on secular grounds. Okay, even after the advent of Jainism, Buddhism, Islam and Christianity, the quest for religious toleration and coexistence of different faiths continue.
अगर हम इसका हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका ये वाक्य निकलता है कि जो जब भारत में जैनिज्म की स्थापना हुई, बुद्धिज्म की स्थापना हुई, इस्लाम आया, क्रिश्चियनिटी आई भारत में, तो उसमें ये था कि जो इंडिया एक ऐसी कंट्री थी जिसने हर एक रिलीजन को वेलकम किया और इसमें हर एक रिलीजन की को एग्जिस्टेंस जो है वो देखने को मिलती है हमें एंशियंट कॉन्टेक्स्ट में भी। और अगर हम इसको मेडिवल टाइम में देखें, इफ वी सी द सेकुलरिज्म इन द मेडिवल टाइम, देन वी कैन से दैट द सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लीडिंग टू दिस मूवमेंट्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द स्कोप ऑफ सेकुलरिज्म एंड थ्रू देयर प्रीचिंग दे स्प्रेड द लव, दे स्प्रेड द ह्यूमैनिटी एंड दे टॉक अबाउट द वन वर्ल्ड एंड दैट्स वाई इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन से दैट द लीडिंग लाइट्स ऑफ दिस मूवमेंट वर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, संत कबीर दास, गुरु नानक देव जी, संत तुकाराम एंड मीराबाई आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द लीडिंग लाइट्स ऑफ दिस मूवमेंट्स। ओके एंड इन मेडिवल टाइम वी कैन ऑल्सो देर से दैट द मुगल एम्परर अकबर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी कैन कोट हियर बिकॉज रूलर अकबर हैज अ नंबर ऑफ हिंदूज एज हिज मिनिस्टर्स फॉरबेड ही फॉरबेड फोर्सिबल कन्वर्जन एंड ऑल्सो अबॉलिश जजिया। सो वट इज दिस जजिया? इट इज बेसिकली अ टैक्स ऑन पिलग्रिम्स। ओके सो इट्स अ टैक्स ऑन पिलग्रिम्स दैट हैज बीन अबॉलिश्ड बाय अकबर। सो अकबर हैज गिव सम ऑफ द कंसेप्ट्स एंड वन ऑफ इट्स कंसेप्ट वॉज इट्स फिलोसफी वॉज दीन ए इलाही विच मीन्स और द डिवाइन फेथ मीन्स द वन फेथ। ओके एंड ही ऑल्सो टॉक अबाउट द सूले कुल और पीस एंड हार्मोनी अमंग रिलीजन्स। ही ऑल्सो फाउंड द इबादत खाना ऑफ द हॉल ऑफ एज अ हॉल ऑफ वर्शिप इन विच ही डिबेट ऑन रिलीजन एंड ही इन्वाइट स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स टू कम एंड डिबेट। ओके सो दीज आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द मेडिवल टाइम। सो इफ वी मूव टू इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया वी कैन से दैट ब्रिटिशर्स प्ले ए डिवाइड एंड रूल कार्ड। ओके सो ब्रिटिशर्स मेन पॉलिसी वॉज टू डिवाइड एंड अ रूल। ओके सो दिस डिवाइड एंड रूल वॉज कन्फ्रंटेड बाय अ सेकुलर लीडर्स ऑफ इंडिया सेक्युलर लीडर्स ऑफ इंडिया। सो हु आर द सेक्युलर लीडर्स ऑफ इंडिया और यू कैन से दैट द लिबरल लीडर्स ऑफ इंडिया। इन द लिबरल लीडर्स वी कैन कंसिस्ट ऑफ सर फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले हु वॉज ऑल्सो महात्मा गांधीज टीचर। बाय एंड लार्ज परस्यूडिड अ सेक्युलर अप्रोच टू politics. Okay, and in this context we can also say that Gandhi's secularism, Jawaharlal Nehru's secularism, Maulana Azad's secularism, Bhagat Singh's secularism, although Bhagat Singh was a nationalist but he also believed in secular thoughts and through this he has a many he's a group in which people from all religions was present in this in his group and we can here see the example of Chandrashekhar Azad and one of the important example here we can quote that the Khilafat movement in which the whole India was come unitedly and fought for the rights of Muslims as well and Muslims were also gave their support to Gandhiji to fighting the Britishers
एंड खिलाफत मूवमेंट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल दैट वी कैन मैंशन हेयर एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी कैन से दैट वेन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड बाय पंडित मोतीलाल नेहरू एज अ चेयरमैन ऑफ हिस्टोरिक नेहरू कमिटी इन 1928 इन दिस कमिटी ही हैज क्लियरली सेड दैट इंडिया हैज नो रिलीजन इंडिया विल गोइंग टू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ प्योर सेकुलरिज्म एंड एवरी रिलीजन इज इक्वल इन द इंडिया ओके सो इफ वी सी इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट दैट व्हाट आर द प्रोविजंस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हियर इज सम ऑफ द एग्जांपल्स और सम ऑफ द आर्टिकल्स हियर इज मेंशन सो द वर्ड सेकुलरिज्म हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया India's constitution by the 42nd Constitution Amendment Act 1976. So, after this, if you read the preamble, maybe you know that if you read the lines of the preamble, and it is like that, we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic. So these are the opening lines of the India's preamble. So here are some of the examples in the Indian Constitution in the context of secularism is Article 14, Article 15. Article 14 talks about the grants equality before the law and equal protection of the law to all. And Article 15 enlarge the concept of secularism to the widest possible extent by prohibiting discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth. And Article 16(1) guarantees equality of opportunity to all citizens in matter of public employment, and that would be no discrimination on the basis of religion, race, caste, sex, descent, place of birth and residence. Okay, and same as Article 25 provide freedom of conscience, that is all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right to freely profess, practice and propagate religion. Okay, and same thing as we can see in Article 26 in the context of secularism, that any religious group or individual has the right to establish and maintain institution for religious and charitable purpose and to manage its own affairs in matter of religion. Okay, and if you see Article 27, it states that not compel any citizens to pay any tax for the promotion of or the maintenance of any particular religion or religious institute. And Article 28 allows educational institutes maintained by different religion groups to impart religious instructions. Okay. And Article 29 and 20 and Article 29 and 30 provides cultural and educational right to minorities. And Article 51, the fundamental duties oblige all their citizens to promote harmony and the spirit of common brotherhood and to value and preserve the rich heritage of our composite culture. So these are some of the articles which has been incorporated in the Indian Constitution, and it reflects that India is purely formed on the grounds of secularism and keep itself away from any particular religion. So you can download the PDF of this lecture from our Telegram channel
and you can also join us on Instagram and on Twitter. Okay, so if you like this video, then do subscribe to this channel and press the bell icon so that you can never miss an update. Have a nice day. Thank you.